कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन सोल्जर्स शदीद मुतासर होने लगे। मुल्क भर में वबा से तिब्बी अमले के मुतासर होने की शरह में 75% इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 200 से जायद मेडिकल वर्कर्स मुतासर हो चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हालिया आदादोशुमार के मुताबिक सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को कोरोना लगने की शरह में 75% इजाफा हुआ। वायरस से अब तक 444 डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला मुतासर हो चुका है, जबकि 10 मेडिकल वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। मुतासरा हेल्थ प्रोफेशंस में 216 डॉक्टर्स, 67 नर्सेज और 161 दीगर तिब्बी अमले के लोग शामिल हैं। इनमें से 204 घरों पर आइसोलेशन में हैं, जबकि 138 मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। 94 खुशनसीब वायरस को शिकस्त देकर सेहत याब हो चुके हैं। 444 मुतासर अफराद में से 138 आईसीयूज में काम करते थे, जबकि 306 अस्पतालों के दूसरे वार्ड में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। बदकिस्मती से 10 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक कोरोना के हमले में इंतकाल कर चुके हैं, जिन्हें पहली सामने आने वाली शहादत गिलगित बल्तिस्तान में नौजवान डॉक्टर उसामा रियाज की थी। जिनसे डॉक्टर अब्दुल कादिर सोमरू, डॉक्टर फुरकान और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सीनियर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे। सिंध में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 1-1 हेल्थ केयर वर्कर इंतकाल कर चुका है। सिंध के शोबे से वाबस्ता इन अफराद के रबते में आने वाले 186 अफराद के टेस्ट भी मस्बत आ चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक हुकूमत सफ़े अव्वल पर मौजूद तिब्बी अमले के तहफ़ुज़ का प्रोग्राम अनकरीब मुतारिफ़ करवाएगी। इस सिलसिले में मुल्क में मकामी सतह पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन हुकूमत के ऐलान करदा तहफ़ुज़ प्रोग्राम का इंतजार ही करते रह गए हैं।